दुनिया पर राज करना है तो सबसे पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था के रैंकिंग में नंबर वन आना होगा। अभी हम लोग टॉप फाइव के लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन जापान के जीडीपी में आई भारी गिरावट के बाद लगता है कि भारत जल्द ही दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हर कोई जी जान से लगा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री देश और दुनिया की सैर करके कैसे भारत को सभी मामलों में अग्रणी बना जाए, इस कार्य में जुटे हुए हैं। अब देश के प्रधानमंत्री इतनी शिद्दत से देश को टॉप पर पहुंचाने में लगे हुए हैं तो सरकार के मंत्री कैसे पीछे रह सकते हैं। असल में देश के आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखरन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को एक सीक्रेट लेटर लिखा है। लेटर में कहा गया है कि पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर अभियान को तगड़ा झटका लग सकता है और इससे भारत की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। अब राजीव चंद्रशेखरन ने ऐसी बातें क्यों कही हैं और क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। असल में मोदी सरकार भारत को सबसे बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हब बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए सरकार पीएलआई स्कीम के तहत भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे रही है। के बावजूद एक्सपोर्ट के मामले में भारत चीन और वियतनाम से पिछड़ता जा रहा है। इसी बात को लेकर भारत सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। इसी को लेकर आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखरन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को एक सीक्रेट लेटर लिख दिया है। अब लेटर में और क्या क्या बातें कही गई हैं, ये भी जान लीजिए। लेटर में राजीव चंद्रशेखरन ने लिखा है कि बेशक भारत ने हर साल 100 अरब डॉलर स्मार्टफोन प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है, लेकिन सिर्फ 50% स्मार्टफोन ही निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि भारत खुद को स्मार्टफोन की इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बनाना चाहता है और तो और स्मार्टफोन एक्सपोर्टर सेंटर बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार को टैरिफ दरों पर फोकस करना होगा, नहीं तो देश इस क्षेत्र में चीन और वियतनाम से पिछड़ जाएगा और भारी आर्थिक नुकसान को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा चंद्रशेखरन ने वित्त मंत्री सीतारमन को एक सीक्रेट प्रेजेंटेशन भी भेजी है, जिसमें आंकड़ों से समझाया गया कि भारत में स्मार्टफोन प्रोडक्शन पर टैरिफ की जो दरें हैं वो काफी ज्यादा हैं, जिससे उत्पादन लागत यानी जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियां भारत के साथ डील नहीं कर पाएंगी, वे भारत की बजाय वियतनाम, मैक्सिको और थाईलैंड के साथ बिजनेस कर सकती हैं। इसलिए सरकार को अगर मोबाइल कंपनियों को आकर्षित ना है तो टैरिफ दरें कम करनी होगी। इस कहानी में टैरिफ रेट्स को लेकर काफी जोर दिया गया है। टैरिफ रेट्स वाला जो मामला है वो इतना जटिल क्यों है, इसको समझिए। पिछले साल भारत में 25% स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए, जबकि चीन ने 270 अरब डॉलर खर्च करके स्मार्टफोन बनाए और 63% एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा लिया। वियतनाम ने भी 95% स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमा लिया, क्योंकि चीन और वियतनाम में जो टैरिफ दरें हैं वो 5% से भी कम है, जबकि भारत में मौजूदा जो टैरिफ दर है वो 8% से भी ज्यादा है। ऐसे में अब आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने पांव जमाने के लिए हमें भी टैरिफ दरों के मामलों में चीन की बराबरी करनी होगी। बता दें, भारत में जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके कंपोनेंट को चीन और दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात किए जाने वाले कंपोनेंट पर हाई टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे देश में स्मार्टफोन बनाने के बाद उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अब हमने आपको स्मार्टफोन, टैरिफ रेट्स और सरकार की चिंताओं से रूबरू करवा दिया है। इस मामले में सरकार क्या अगला कदम उठाती है, ये हम आपको जरूर बताएंगे।